जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। रोजाना की तरह दैनिक जन्म राशि फल। सबसे पहले राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्ति, आज आपके लिए घर परिवार वालों के साथ कोई विशेष कार्य प्रारंभ कर सकते हो, अथवा कहीं आप तीर्थ क्षेत्र में घूमने के लिए जा सकते हो। ऐसा योग संयोग आपके साथ बन रहा है। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वाले व्यक्ति, कृषि क्षेत्र भूमि से संबंधित कोई कार्य आप आज प्रारंभ करते हो, श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहने वाला है। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, कोई मांगलिक शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, अथवा आप कोई घर परिवार वालों की किसी बड़ी जिम्मेदारी, सगाई संबंधित या कोई शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हो। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वाले व्यक्ति, मानसिक तनाव बेचैनी या कोई उतार चढ़ाव के योग संयोग आपको आज के दिन बन सकते हैं। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्ति, भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग आपको आज के दिन बन रहे हैं। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति, आज आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। कोई भी कार्य आज के दिन आप प्रारंभ करते हो तो वह विशेष पद को प्राप्त हो सकता है। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन अटका हुआ धन या कोई अटका हुआ प्रेम प्रसंग आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, आज आप दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, तो श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा। नवम राशि है धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति, राजनीति अथवा राजनीतिक जैसे क्षेत्र से सफलता आपको हाथ लगेगी। दसम राशि मकर। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए आपको आज कोर्ट कचहरी मुकदमों पर विजय प्राप्त के योग बन रहे हैं। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, कोई उतार चढ़ाव की योग आपको आज के दिन बन सकते हैं, इसलिए कोई भी कार्य करें सोच समझ कर, सचेत और सतर्क रहकर ही करें। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन अटका हुआ काम से संबंधित या कोई व्यापार प्राप्त हो सकता है पुनः, और आप आज कोई नया कारोबार भी प्रारंभ करेंगे, जैसे कि विद्याध्ययन, सरकारी क्षेत्र में कहीं आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहने वाला होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।